भयंकर सिंह तिलिस्म में तीन औरतों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। भूतनाथ का अय्यार रामदास हरदेई बना तिलिस्म में प्रभाकर को इंदु की बेवफाई के बारे में बताता है और तिलिस्मी किताब चोरी कर लेता है। भूतनाथ को रामदास तिलिस्मी किताब देता है और भूतनाथ दोबारा तिलिस्म में घुस जाता है। तिलिस्म में प्रभाकर सिंह इंदु पर बेवफाई का इल्जाम लगाते हैं। अब आगे हम तीनों मुझसे बचकर नहीं जा सकती। आज मैं अपनी प्यासी तलवार को तुम्हारे खून से संतुष्ट करूंगा। दुष्ट मर्दों के औरतों पे हाथ उठाता, मुकाबले का इतना शौक है, हमसे मुकाबला करा। भागो, अब नारायण मुकाबला कर लेगा। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ उन तीनों औरतों को और दुश्मनों से बचाओ। पर आप तुम जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम उन तीनों को इतने समय खो दो। जल्दी गदाधर सिंह, अब किस चीज से लड़ोगे? हम निहत्तों पर वार नहीं करते। बहुत अच्छे, इंदुमती में भी दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, पर ये लोग तिलिस्म में घुस कैसे आए? क्यों और कैसे आ गए ये जानकर तुम लोग क्या करोगे? क्योंकि प्रभाकर सिंह की नजरों में तुम्हारी बेइज्जती हो ही चुकी है। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? हमें सब मालूम है, पर अफसोस हमें तुमसे ऐसी आशा न थी।
अगर मैं जानता तो इस पवित्र घाटी को तुम जैसी गिरी हुई औरतों से कभी अपवित्र न होने देता। है? ये तो इंद्रदेव की आवाज है। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। मैं कसम खा के कहती हूँ, हम लोगों पे लगाया हुआ ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। इस तरह की कसमें खाकर तुम प्रभाकर सिंह को समझाना, मुझ पे इनका कोई असर नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारा रिश्तेदार ना होता तो इतना कहने की भी जरूरत नहीं थी। पर याद रखना, मैं पूरे सबूत के साथ प्रभाकर सिंह के सामने ये साबित कर दूंगा कि जो कुछ मैंने कहा वो सच है। अब इसमें कोई शक नहीं कि हरदेई ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। एक बार उन तीनों औरतों से मिलना बहुत जरूरी है। मैं तो भटकते भटकते परेशान हो गई हूँ। पता नहीं वो हम तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। कहीं वो खुद किसी मुसीबत में न फंस गए हो। भगवान करे वो ठीक हो। इंदुमती आ गए। आखिर आप आ गए। हाँ, वो कौन आदमी था जो सुबह तुम लोगों से बातें कर रहा था? हमें सच में नहीं मालूम वो आदमी कौन था। अच्छा, तो वो तुम लोगों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? वो, मैं कसम खा के कहती हूँ कि वो आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। वो जो कुछ भी कह रहा है झूठ है। हम साबित कर सकते नहीं हैं। हमें किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है और ना ही हम तुम दोनों बहनों से उलझना चाहेंगे। पर इंदुमती से हम कुछ जरूर कहेंगे। इंदुमती, हम इसी समय सदा के लिए तुम्हारा त्याग करते हैं। झूठी बातें सुनकर आप मेरा त्याग कर देंगे? हाँ, त्याग कर दूंगा, क्योंकि इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी इंदे की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। मुझे मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? अफसोस तो इसी बात का है इंदुमती कि जिस मोहब्बत पर हमने अपना हक समझा था। नहीं, आप मुझ पर बेवफाई का इल्जाम नहीं लगा सकते। अब आगे कुछ मत कहिए। आगे कहने को बचा ही क्या है। एक क्षत्रिय की तरह हम इस चोट को भी अपनी छाती पर झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखेंगे इंदे, कभी नहीं। नहीं, रुकिए, सुनिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए। उठो इंदु, भगवान के लिए रुक जाइए। उठो इंदु, उठो। इस तरह से हौसला खोने से क्या फायदा।
अब मैं जीकर क्या करूंगी, जितने दिन जीऊंगी इस त्याग के अपमान की आग में जलती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं शरीर का ही त्याग कर दूं। ऐसा कभी भी मत कहना इंदु, मुझे पूरा विश्वास है धर्म हमारी सहायता करेगा। देखो प्रभाकर सिंह जी एक दिन जरूर पछताएंगे। लेकिन मैं कब तक उस दिन का इंतजार करूं? वो दिन अब दूर नहीं है इंदु, भगवान हमारा मददगार जरूर भेज देगा। चलो चलो उठो, चलो। नारायण, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। हम लोग तो यहाँ बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। पर हमने तो प्रभाकर सिंह को तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, वो कहाँ है? प्रभाकर सिंह यहाँ आए थे पर हमारे कुछ दुश्मनों की बातों पर विश्वास करके हम पर चरित्रहीनता का कलंक लगा दिया। इंदु बहन का तो सदा के लिए त्याग कर दिया और चले गए। समझ गया, आओ मेरे साथ। इंदुमती, हमें पता चल गया है कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम तीनों पर झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम किया, और यह काम भूतनाथ के खास अय्यार का है जिसने हृदय की सूरत बनाकर तुमको और प्रभाकर सिंह को धोखा दिया। लेकिन वो अय्यार इस तिलस्म में कैसे आ पहुंचा? भूतनाथ की वजह से। भूतनाथ? लेकिन वो तो काफी समय से गायब है। लेकिन अब प्रकट हो गया है, वो राक्षस जो तुम तीनों के पीछे भाग रहा था वो भूतनाथ था, उसी के कैयार ने जो हृदय बना हुआ है। उसने धोखे से प्रभाकर सिंह की तिलस्मी किताब चुरा ली और अपने गुरु भूतनाथ को दे दी। उसी किताब की मदद से भूतनाथ तिलस्म के अंदर आ पहुंचा है और प्रभाकर सिंह के साथ साथ तुम तीनों को भी मारने की कोशिश में है। तब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हम तीन बेसहारा औरतें और आप अकेले। फिकर की कोई बात नहीं, हम तुम लोगों की पूरी तरह से मदद करेंगे। अगर चार पहर की मोहलत मिल जाती तो इंद्रदेव को खबर भेज देते, अगर वो यहां आ जाएं तो कोई भी दुश्मन उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर आप हमें अपने साथ इंद्रदेव जी के यहां क्यों नहीं ले चलते? हम सब वहां जा तो सकते हैं लेकिन प्रभाकर सिंह अकेले इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, क्योंकि भूतनाथ का अय्यार हृदय बना उन्हें ढूंढ रहा है और वो उन्हें जरूर मार डालेगा। तो सबसे पहले हमें उन्हें इस बात की खबर कर देनी चाहिए। हम उसी फिक्र में हैं। जब हम भूतनाथ को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए और निराश होकर लौट रहे थे तब हमारे रास्ते में उसी का एक शागिर्द आया और हमारे हाथों मारा गया। इस गठरी में उसी को उठाकर लाए हैं, बस इसी जगह पर उसकी चिता बनाकर फूंक देंगे। उसके बाद हम तुम तीनों को इस सुरक्षित जगह पर छोड़कर प्रभाकर सिंह के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्होंने इंदुमती के साथ नाइंसाफी की। अब तुम लोग हमारी मदद करो, जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करें, एक चिता बनानी है, आओ। अरे बहन देखो, ये वही आदमी है ना जो हमसे बातें कर रहा था। हाँ तो यही था जिस पे विश्वास करके उन्होंने मुझे त्याग दिया, इसकी बातों पर विश्वास किया और अपनी इन देखी मासूम मोहब्बत को ठुकरा दिया। कितना बड़ा जुल्म और अन्याय किया उन्होंने।
ठहरो। क्या आप मेरा त्याग कर देंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी इंद्री की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकते। मुझ पर बेवफाई का इल्जाम मत लगाइए। मुझे त्याग कर मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। इंदे का त्याग करके शायद हमने सही नहीं किया। उसकी बेवफाई के बारे में सुनकर हमारा दिल तो टूट गया था, पर हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहिए था। अफसोस, हमने इस मामले में बहुत जल्दबाजी की। ये क्या? थोड़ी देर पहले ही तो हम उन तीनों औरतों को वहां छोड़कर आए थे। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? ले जा रही हूं और तुम्हें दयामय परमात्मा की सपोर्ट करती हूं। कितने दिन मैं इस दुनिया में रही, बहुत सुखी रही। तरह तरह के दुख भोगने पर भी मुझे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपके प्रेम का सहारा हमेशा मेरे साथ था। लेकिन अब जब आप ही ने मुझे त्याग दिया, तो मैं क्यों और किसके लिए जीऊं? जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन हम जान जाएंगे कि आप गेंदे बिल्कुल बेदाग थी और आपसे प्रेम करती थी। आखिर इंदे, बात तो बताओ, चिट्ठी में तुमने क्या लिखा था? कुछ खास नहीं, मेरा दिल दुखाने की उन्हें एक छोटी सी सजा दी है।
देखो यही वो जगह है जहां तुम तीनों को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित छोड़ना चाहते हैं। आप इस मकान के हर दरवाजे को कहीं ना कहीं जाने का रास्ता समझना चाहिए। यह दरवाजा हमारे अंदर जाने का रास्ता है। एक खास बात, तिलिस्मी किताब की मदद से भी भूतनाथ तुम्हें यहां नहीं ढूंढ सकता। दरवाजा खोलने के लिए यह मुट्ठा यहां लगा हुआ है, इसी मुट्ठे को इस दरवाजे की चाबी समझना चाहिए। और इंदुमती देखो ऊपर क्या लिखा है। यह दरवाजा खोलने के लिए, इसका मतलब यह कि इस मुट्ठे को 7 बार दाहिनी तरफ मोड़ना, 8 बार बाईं तरफ और फिर 1 बार दाएं और 12 बार बाएं की ओर मोड़े। ऐसा 4 बार करने से यह दरवाजा खुल जाएगा। देखो यहां रोशनी का पूरा इंतजाम है। अब 2-3 दिनों तक तुम यही रहो। और हां, ये किताब रखो और तीनों इसे ध्यान से पढ़ लो और जहां तक हो सके याद कर लो ताकि तुम तिलिस्म में भटक न जाओ। अब हम जाकर प्रभाकर सिंह को ढूंढते हैं और इस नकली हृदय के बारे में उन्हें सावधान करेंगे।